तामेर को बदले के लिए मारा गया है। ये टाइफून से जुड़ा हुआ है। मैंने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया। पता चला वो मेरे बेटे को लवर्स हिल पे ले जाता था। मैंने उस हैवान को मार डाला। क्या तामेर सच में ऐसा इंसान था? नहीं, ऐसा होता तो मुझे जरूर एहसास हो जाता। जिया, जिया बोल रहा हूँ, यही हूँ शहर में। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? सैफे, आइए बैठिए ना। नहीं, रहने दीजिए। आइए ना, चाय पी लीजिए। ठीक है, चाय पी सकते हैं। तुम इन बड़ी मछलियों को इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते। ये वेल है मेरे दोस्त, वेल है ये। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। फोन आया है, तुम्हारे लॉयर का है। मैंने कोई लॉयर नहीं किया। मुझे नहीं लगता ये केस खत्म हो गया है। लगता है अभी और भी कई बच्चे होंगे। ये कैसे हुआ बेवकूफो? कैसे हुआ ये? तुम कोई काम ठीक से कैसे नहीं कर सकते? अब इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करूं मैं? बता मुझे, तुम लोगों को कितना समझाया, तुमको समझ में क्यों नहीं आती? एक आदमी मर गया, यहाँ पर चूड़ियां पहनकर क्यों नहीं बैठ जाते? सबके सब निकम्मे हैं। कौन मानेगा कि ये हार्ट अटैक से मर गया? कोई नहीं मानेगा। मीडिया मुझसे सवाल पूछेगी तो मैं क्या कहूंगा? वैसे ही बवाल कम थे क्या जो एक और मुसीबत मेरी छाती पर रख दी? बेवकूफो, तुम्हारे होते हुए ये मर कैसे गया? बताओ मुझे, ये मर कैसे गया? कोई बताएगा मुझे इस बारे में? चलो हटो नालायकों। सुनो, मैं तुम्हें 2 घंटे दे रहा हूं। मुझे रिपोर्ट चाहिए यहां मेरी टेबल पर, मेरी टेबल पर, समझे? मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। अगर कलंकारा से फोन आया तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? चलो गेट आउट। ये सब क्या हो रहा है यहां? हाँ, जैसे लगता है सब कुछ ठीक ठाक है, हाँ, तभी कुछ ऐसा हो जाता है। समझ में नहीं आता आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। हेलो, एक कड़क चाय लाना मेरे लिए अभी तुरंत। सैफी, तुम चाय लोगे या कुछ और? बताओ। हाँ, किसने किया होगा ये? सबाइटिन मरा कैसे? हाँ, कहीं जहर तो नहीं खा लिया? लेकिन जहर आया कहां से यहाँ? पोस्टमार्टम ही बताएगा अब तो। तब तक चेक करते हैं। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा। तब तो चेक करते हैं उसने कुछ खाया पिया या नहीं। हम एक बार फिर चेक कर लेते हैं, हो सकता है शायद हमें और भी कोई सबूत मिल जाए। लेकिन इस बात को कोई नहीं मानेगा। मीडिया भी यही कहेगा कि एक प्रिजनर की मौत हो गई और हम बैठे रहे। पता नहीं और क्या क्या सुनना पड़ेगा मुझे, कुछ समझ में नहीं आता। उसने फोन पर बात की किसी से मरने से ठीक पहले, और तब से वो बहुत परेशान था। किसका फोन? उसके लॉयर का। उसका लॉयर? ये कहां से आ गया बीच में? मुझे लगा पता होगा। और ना होता तो? हमको लगा रूटीन कॉल है सर, ध्यान नहीं दिया। नूरी, तुम उस नंबर का पता लगाओ, ठीक है? बड़ी खबर ये है कि सबाहतीन का कोई लॉयर नहीं था।
और उससे बड़ी खबर कि जिस नंबर से कॉल आया था वो तामिर का है। वो नंबर कौन यूज कर रहा था? तामिर कहा कि वो अभी मरा नहीं। तामिर की मौत के बाद से ही ये नंबर बंद है। हाँ, एक रिश्तेदार ने किया था और शायद ये उसकी बहन है। वो उसका जीजा कहाँ है अभी? अब इसे बॉडी दी कहाँ है? पता नहीं, अब शायद वापस लौट गया हो। तो उसे जल्दी से ढूंढो। और हाँ, जिस दुकान से नंबर लिया था ना, वहाँ पर किसी को भेज दो। और वो क्या नाम था उसका? तामिर जिसके साथ रहता था? ओगजान। मुझे तो पता भी नहीं, उसके पास दूसरा नंबर भी था। अब वो क्या छुपा रहा था मुझे क्या पता, ये तो आप पता लगाओ। क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? पता नहीं है क्या उसका दिलारा के साथ? तुम चुप हो जाओ नूरी। मिस दिलारा घर पर है? नहीं शायद। कैप्टन सैफी, मैंने तुमसे कुछ कहा था पर लगता है तुम सीधी तरह से मानने वाले नहीं हो। हम आपसे नहीं बल्कि इनसे यहाँ पर मिलने आए थे। पर यहाँ आए तो हो ना, ये तुम्हारा थाना नहीं है जो कभी भी चले आओ। कोई बात है तो वहीं बुलाओ, यहाँ बार बार क्यों आते हो तुम? इस इंस्पेक्टर ने जो किया वो मैंने अभी तक कमिश्नर को नहीं बताया, पर ये मत सोचना कि मैं बता नहीं सकता। अगर तंग करोगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं कह देता हूँ, दोबारा यहाँ आसपास दिखे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा इंस्पेक्टर, समझ जाओ, वरना देख लूंगा। अच्छा, क्या कर लोगे? बोलो जरा, हम भी तो जाने। बोलते क्यों नहीं, आप चुप क्यों खड़े हो? वैसे लगता नहीं कि तुम कुछ बिगाड़ पाओगे। मुझे उकसाओ मत। इसकी तो काम पर ध्यान दो नूरी, इसकी फिक्र मत करो। मुझे नहीं लगता कि उसने अपनी बहन के लिए नंबर लिया होगा। आर्मी ज्वाइन करने के बाद वैसे भी उसने बात करना बंद कर दिया था। उन्होंने तामिर को पैसे भेजना बंद कर दिए थे और मैं कुछ नहीं जानता। इससे ज़्यादा मुझे उनके बारे में और कुछ नहीं पता। पर आप ही बताइए, उसने तो अपने बाप की जायदाद तक से नाम हटा लिया, तो फिर वो भला फ़ोन नंबर क्यों देगा? सच बताना, क्या तुम यहाँ जुआ खेल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस मस्ती करने आता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, हमें तामिर की बॉडी कब तक मिल जाएगी? रिपोर्ट तो अभी फॉरेंसिक नहीं है, पर उम्मीद है कि जल्दी ही मिल जाएगी। खिसकना, मैं आ गया। ओ, ये तो अभी से शुरू हो गई। कैसी हो दिलारा? कुछ सवाल किए जाएं? क्या? तामिर के फोन नंबर के बारे में कुछ सवाल पूछने मुझे तुमसे। ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, थोड़ी देर में हो जाएगा। फिर से कुछ हुआ है ना? ये सारी बातें मैं तुमसे यहां पर नहीं कर सकता। तुम स्टेशन चलो, वहां पर तुमसे बातचीत करेंगे और वापस तुम्हें यहां छोड़ देंगे। ठीक है, फिर सीधे सीधे बोलना चाहिए। ये तो बुरा हुआ, मैंने सोचा नहीं था। किसी को पता है इसका? फैमिली, वाइफ? हाँ पता है इस बारे में।
इसके मरने से कुछ समय पहले एक फोन आया था और उस फोन के बाद से ये अजीब अजीब से हरकतें करने लगा था, और जिसका फोन था वो एक औरत थी और कह रही थी कि वो इसकी लॉयर है। तो वो वही थी? नहीं, पर उस वक्त जिस नंबर से कॉल आया था वो तो आमिर का था। मैंने कॉल किया था। तो आमिर का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ, उसी ने नंबर दिया था मुझे ताकि हम बात कर सकें। क्यों, क्या उसे तुम्हारे डैड का डर था? मैं डरती थी, वो नहीं। मैं ही ये सब डैड से छुपाना चाहती थी। मुझे पता था वो नहीं समझेंगे, ये छुपाना जरूरी था। सबातिन को कॉल क्यों किया था? ये देखिए, तो ये रिकॉर्ड के लिए तुम क्लियर करो। ये सब रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इसमें कहो कि इसमें मरहूम तामिर है, तुम हो और मरहूम तायफून है। बिल्कुल। तुम तायफून को जानती थी? मैं इस फोटो की कहानी समझना चाह रहा हूं, तो इस फोटो के बारे में जरा खुलकर बताइए मुझे। तायफून से पहले मैं ही मिली थी उनके स्कूल के एक फंक्शन में। उसने मुझे वेलकम किया था। बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत अच्छी बातें करता था। वो हम दोनों को बहुत पसंद था। आओ एक पिक्चर क्लिक करते हैं। वो मुझे घर से फोन कर देता था और हम उसे स्कूल के बाद मिलने जाते थे। कुछ देर हम उसे अपने साथ रखते थे, बस इतनी बात है। सबातिन, आप उसके बारे में इतना कुछ जानती हैं, तो एक बात बताइए, क्या सबातिन को इसके बारे में सब कुछ पता था? मैं और तामिर अपने रिश्ते को छुपाना चाहते थे और तायफून को भी ये समझाया था। उसे यही समझाया था कि इस रिश्ते के बारे में किसी से कुछ ना कहे। मतलब तुमने तायफून से किया हुआ वादा तोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल तामिर ने इस रिश्ते को खेल बना दिया था। मुझे पता है तुम्हें हीरो बनना है, मैं सही कह रहा हूँ ना? अगर तुम्हें हीरो बनना है तो किसी से हमारे बारे में मत कहना, ठीक है? तामिर कोई वहशी नहीं था और तायफून तो हमारा दोस्त था। सबातिन को कॉल क्यों किया था? यही बताने के लिए कि हम तायफून के दोस्त थे। बस कुछ वक्त साथ बिताते थे और फिर उसे घर वापस छोड़ देते थे हम। मुझे कहना था कि उसने बेवजह तामिर को मार डाला। और अगर ये सुन के वो मर गया तो मतलब वो खुद ही इस बात पर शर्मिंदा था, पछतावा था उसे कि उसने गलती की है। पता है तामिर जहां कहीं भी है वो भी शायद यही चाहता था। अगर मैं उसे सच नहीं बताती तो मुझे पछतावा रहता, बस इसीलिए मैंने फोन किया। बस यही वजह थी मेरी फोन करने की। मिस दिलारा, आप यहाँ कैसी हैं आप? सैफी, जरा बाहर आना प्लीज, दो मिनट के लिए। हाँ, आप रुकिए, आ जाओ, तुम आ जाओ, आओ। ये क्या है, मुझे बिना बताए क्यों लाए? सबातिन ने मरने से पहले किसी बंदे से बात की थी
और वो नंबर है तामीर का। तो क्या दिलारा ने कॉल किया था? कॉल किया था? हाँ, तामीर ने तायफून के साथ कुछ गलत नहीं किया है, यही बताने के लिए फोन किया था उसने उसको। कौन है ये? हेलो। हाँ, मैं निहाल, पहचाना आपने? कौन? निहाल चीफ, मैं जरा आता हूँ। अरे वो बॉस वहीं थे, अब बताओ। कुछ नहीं, वो बस मैं घर पर ही हूँ तो ऐसे ही फोन किया। तो क्या वक्त नहीं कट रहा था? क्या तुम पुलिस लाइन में रहते हो? नहीं, वहाँ तो बड़े लोग रहते हैं, मेरी औकात कहाँ है। हाँ, कैप्टन सैफी भी नहीं आते तो मुझे लगा कहीं वो शिफ्ट तो नहीं हो गए, लेकिन फिर वो आ गए। कैप्टन बहुत बिजी रहते हैं आजकल, और कुछ नहीं, इसलिए घर नहीं जा पाते। हाँ, वैसे मेरी वजह से तुम्हें देर तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बोलो ना, सुन रहा हूँ, बोलो। नहीं बस कुछ नहीं, मेरा नंबर सेव कर लेना। हाँ अभी करता हूँ। चलो तो फिर कभी बात करते हैं। हाँ मैं कॉल करूँगा, ख्याल रखना। सबातीन की रिपोर्ट में हार्ट अटैक दिख रहा है। अभी और ज्यादा टेस्ट करवाओ, जरूरत हो तो इस्तांबुल भेज दो और कमिश्नर को अपडेट कर दो। और दिलारा? उसने कुछ भी नहीं किया है, वो तो बस सच बता रही थी, इसमें उसकी क्या गलती है? शायद धमकाया हो उसने। अगर ऐसा होता तो वो मुझे बता देती, वो मूडी जरूर है पर मुझे वो झूठी नहीं लगती है। खैर अब तक जितनी भी बातचीत हुई है उन सबसे एक बात तो क्लियर है कि तामीर ने बच्चे को नहीं मारा है। मुझे भी यही लगता है। बच्चे मर रहे हैं इंस्पेक्टर, बच्चे मर रहे हैं। मुझे डर है अभी और कोई शिकार ना हो। ये सब स्ट्रेस की वजह से है, तुम जरूरत से ज्यादा लोड ले रहे हो। हाँ पर मुझे उस वक्त का कुछ याद नहीं। क्या तुम उस वक्त नशे में थे? हाँ थोड़ी सी पी तो जरूर थी, वैसे आमतौर पर मैं कम ही पीता हूँ। तभी तो ज्यादा चढ़ती है दोस्त। पता है कुछ धुंधला सा याद आता है, सपने की तरह। एक ही बात बार बार रिप्ले हो रही है जैसे, बाकी कुछ याद नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है मेरे साथ। रिपोर्ट्स में कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ और बात हो सकती है, शायद टेम्परेरी हो, मगर ध्यान तो रखना पड़ेगा। स्ट्रेस, टेंशन, अकेलापन, कुछ भी वजह हो सकती है इसकी। मिस तुलाए हैं क्लिनिक में, जाओ मिल लो, तुम जानते हो ना उनको। अरे दोस्त जरा सूप देना एक। साहब को एक सूप दो। और कैसे हो दोस्त? बढ़िया, क्या बात है? तुम सैफी के पार्टनर हो, सोचा मिल लेता हूँ। तो मेरा नाम जिया है और तुम नूरी हो, मैंने पता कर लिया है। पता है नूरी नाम का? मेरा एक भतीजा भी है मेरे गांव में, एक नंबर का बंडलबाज है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है, कुछ भी, बस लोगों को चूना लगाने माहिर है, बहुत नोट छापता है वो, सारा बचपन से ही ऐसा है।
वैसे तुम बहुत ही भले आदमी लग रहे हो शक्ल से। अच्छा ये बताओ, ये सब तुम कर क्या रहे हो, क्या करना चाहते हो आखिर? हाँ तुम कैप्टन को कैसे जानते हो? अरे अपनी तो पुरानी आ रही है, इसीलिए तो आया हूं। कई सालों से वो हिसाब अधूरा पड़ा है, सोचा अपनी टाई लेता हूँ, बस इसीलिए आया हूँ यहाँ पर। खैर अच्छा अब चलता हूँ मैं, फिर मिलते हैं नूरी। अलविदा, फिर जरूर मिलेंगे। शुक्रिया। सर ये बर्तन डालो। शुक्रिया। अगर आप बुरा ना माने तो बात पूछूं आपसे सर। बोलो। ये साला रोज यहाँ आता है, दबा के खाता और कहता है कि पैसे कैप्टन सैफी के खाते में चढ़ा दो। अब मैं तो इसे जानता तक नहीं, पर कोई नहीं, मेरे बिल में डाल दो, मैं दे दूंगा। अरे सर मैं तो बस आपको बता रहा था कि कोई नहीं, मैं दे रहा हूँ ना, कैप्टन से ले लूँगा फिर। ठीक है सर, जैसा आप कहें। हाँ कहो। अभी मिल सकते हैं? बताइए कहाँ आ सकती हूँ। क्या है ये? वही जो मैंने कहा था, ये उसका स्टेटमेंट है, आप रख लीजिए। पर वो स्टेटमेंट तो तुम पहले ही दे चुकी हो। मेरे डैड मुझे इससे दूर रखना चाहते हैं और वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो तुम्हें या कमिश्नर को कुछ कर सकते हैं, यहाँ तक कि मुझे भी। उन्होंने कुछ किया क्या? इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैंने जो भी कहा उसकी एक एक बात सबके सामने आए, और मैं कोर्ट में भी यही कहूँगी। मिस दिलारा। दिलारा प्लीज़। ठीक है। और मैं तुम्हें बुलाऊँगी सैफी, ये ठीक रहेगा? कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। एक बात पूछूँ, उस दिन तुम अपने डैड को कुछ कहते कहते रुक गई थी, मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को समझ नहीं पाया। वो कुछ खास नहीं था। देखो मुझे माफ़ करना अगर मैं कुछ ज़्यादा ही पर्सनल बातें पूछ रहा हूँ, पर मेरा इरादा कुछ ऐसा नहीं है, मैं बस सच जानना चाहता हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। करती थी उन्हें। मुझे हमेशा उनके जैसे मर्दों से प्यार हुआ, पर डैड अपने जैसे किसी और को मेरे साथ नहीं देख सकते हैं। तो फिर क्या? तो फिर क्या, इसलिए मैं अपनी जिंदगी में अकेली हूँ। तामीर से उनको क्या शिकायत थी? उसके लिए मेरा प्यार। हर जाने दीजिए, आप मेरा स्टेटमेंट संभालिए, फिर मिलूंगी सैफी। कैप्टन घर पर नहीं है? आते ही होंगे, आप अंदर वेट कर लीजिए। नहीं नहीं रहने दीजिए, मैं आपको बार बार तंग कर देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। पर आपके पति? अभी चाय बनाई है, जब तक कैप्टन आते हैं तब तक चाय पी लीजिए। ठीक है। वो मेरा डिवोर्स हो चुका है 2.5 साल पहले, आपने पूछा था ना। आप
शक्कर और लेंगे? नहीं, मैं शक्कर नहीं लेता। ये चाय पत्ती इम्पोर्टेड है। ये मैंने इंडिया से मंगवाई है। वो ना, वहाँ असम की चाय पत्ती बहुत फेमस होती है, तो वहीं से मंगवाई है। सूत है। आ गया कि परफ्यूम है यार, मैं ये रख लेता हूं, अभी रख लेता हूं। ये भी रख लेता हूं। मैं ये अंदर रख देती हूँ। रॉबरी हुई है, तारा मुस्तफर स्ट्रीट गोकलेटन अपार्टमेंट। मैंने यहाँ से गुजरते हुए थे, कैप्टन सैफी के यहाँ, जल्दी यूनिट भेजो। ठीक है सर। सैफी, क्या रिपोर्ट है? किसी तरह की कोई खबर मिली? फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं सर, उसके आने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। देखो दोस्त, मैं भड़कता हूँ, हाँ भड़कता हूँ, क्योंकि मुझे सबकी फिक्र है। हाँ, आखिर जो होगा वो हम सबको ही भुगतना पड़ेगा ना। ये शहर बहुत छोटा है, तमाम तरह की चारों तरफ बातें हो रही हैं, लोग थू थू कर रहे हैं पुलिस पर अभी से। अगर अब कुछ और हुआ तो मीडिया पूरे देश में हमको विलन बना देगा, टीवी एंकर चीख चीख के कान से खून निकाल देंगे और पता नहीं कैसे कैसे अजीब सवाल पूछेंगे। आप फिक्र ना करें, हम किलर को पकड़ लेंगे। सैफी, बस तुमसे ही उम्मीद है, बाकी तो किसी काम के नहीं हो और ये तुम अच्छे से जानते ही हो। तुमको भी एक मिला तो है। नूरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत अच्छा है। हाँ, तुम तो ये कहोगे ही,
मैं भी ठीक ऐसा ही कह सकता हूँ ना, लेकिन जो है सो है, अब क्या कर सकते हैं। बच्चे मर रहे हैं इंस्पेक्टर, बच्चे मर रहे हैं। कैसे हो चीफ? अरे यार, तुम मुझे देखना तो नहीं चाहते है ना? जिया, अभी इन सबका वक्त बिल्कुल भी नहीं है। देखो मुझे तंग मत करो सैफी, मुझे मेरा हिस्सा कब दोगे बताओ? देखो ये शहर बहुत ही छोटा है और तुम्हारी इज्जत सब लोग बहुत ज्यादा करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो एक झटके में खराब हो जाए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो बस एक हफ्ते में हिसाब कर लो, अगर नहीं किया तो देखना इस शहर में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। अरे जवाब तो देते जाओ यार कैप्टन। तुम यहां क्या कर रहे हो? कमाल है, कमाल है, आजकल हम हर जगह टकरा जाते हैं। दरअसल गला खराब था, कैप्टन से दवाई लेने आया था मैं। क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा जाता हूँ, फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, बहुत जल्द जल्द मिलेंगे। कल रॉबरी की रिपोर्ट थी, कुछ हुआ तो नहीं कैप्टन के घर को? नहीं कुछ भी नहीं। ओके। चीफ, चीफ, आपका फोन ऑफ है। हाँ बैटरी खत्म हो गई थी, पर तुम कहाँ से आ रहे हो? एक क्लू मिला है शायद। 5 साल पहले एक बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट थी, 2 साल तक ढूंढा मगर वो नहीं मिला, फिर सर्च बंद हो गया। फिर एक दिन उसके माँ बाप आए, बोले वो मिल गया, उन्होंने रिपोर्ट वापस ले ली, केस खत्म। वो बच्चा कहाँ गया, कैसे लौटा, इसकी किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? फैमिली कहां पर रहती है?
पड़ोसियों से पता करो। रिपोर्ट में तो यही लिखा था पर ये तो खाली है। चलो पता करते हैं। हेलो, क्या आपके पड़ोसी घर छोड़ गए हैं? हाँ, अब तो काफी टाइम हो गया, करीब 2 सालों से खाली है। क्यों, क्या हुआ? आपको पता है वो कहाँ गए? पता नहीं, उनकी खबर नहीं है। वैसे एड्रेस एक है, इमरजेंसी के लिए दे गए थे। एड्रेस है इनके पास एक? बहुत ही बढ़िया सर, जरा वो एड्रेस देंगे हमको? हाँ हम पुलिस वाले और हम यहाँ पर आपसे कुछ सवाल करने के लिए आए। जी कहिए, क्या बात है? आपके बेटे के बारे में कुछ जानना था। क्यों, कुछ किया क्या उसने? नहीं, ऐसा ना सोचें, ऐसा नहीं है। हम उसकी यहाँ पर मिसिंग रिपोर्ट के बारे में बात करने आए। हाँ, वो मिल गया था, शुक्र है। आपने रिपोर्ट वापस ले ली और कुछ डिटेल ही नहीं है। किसने किडनैप किया, कहाँ ले गए, और आपने किसी पर शक भी नहीं जताया। मेरा बच्चा सही सलामत मिल गया, और क्या चाहिए, हम इसी में खुश हैं बस। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप समझती तो हैं, वो किडनैपर खुला घूम रहा, अगर किसी और बच्चे को कुछ हुआ तो क्या किसी ने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया? नूरी आराम से। क्या, ये क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ है बच्चा, हमें मिलना है। नूरी यही रुको, ऐसे कैसे घुसे आ रहे हो? मैं कहीं भी घुस सकता हूँ, पुलिस हूँ मैं, पुलिस, मैं जब चाहूँ उससे बात कर सकता। छोड़ो ना, जाओ। दूर रहे मेरे बच्चे से, जाओ यहाँ से। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम बोल किस तरह से रहे हो मेरे से? अरे तुम बिल्कुल समझते क्यों नहीं हो, मेरे बच्चे से दूर रहो, जाओ यहाँ से। तुमने मदद नहीं की तो तुम पता नहीं कितने बच्चों की दोषी। शांत हो जाओ, क्या तमाशा ला रखा है? क्या कर रहा हूँ चीफ, वो कुछ नहीं कर रही, देखिए। कार में बैठो, बैठो कार में। नूरी वापस चलो। नहीं जी, मैंने कहा वापस चलो। मुझे बस एक सवाल पूछना है, वो पूछ के ही जाऊंगा। क्या पूछोगे तुम उससे? वो एक छोटा सा बच्चा है, घबरा जाएगा। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या पता ये सब अब्बास ने किया और इनको पैसा देके चुप करा दिया। ये कैसे कह सकते हो तुम? बस एक सवाल पूछना है। नूरी भागो, मेहमत भागो। जल्दी घर जाओ, जल्दी से भागो, भागो। अरे ओए, कहाँ भाग रहे हो? अबे तेरी तो रुक जाओ, तुम पागल हो गए क्या? चुप हो जाओ, शांत खड़े रहो। माफ करना दोस्त, थोड़ी गलतफहमी हुई। ये बाप है उस लड़के का, तुम्हारा बेटा कई बच्चों को बचा सकता है, तुम उसे बोलने क्यों नहीं देते? आपको क्या पता हम पर क्या बीती है? क्या क्या बताऊं मैं, मेरे पास तो कहने के लिए कुछ भी नहीं था, मेरे सामने कोई भी रास्ता नहीं था, मैं कहां जाता और मैंने क्या गलत किया, बताओ मुझे। चुप हो जाओ और बकवास बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं वादा करता हूँ कि ये कुछ नहीं कहेगा, बस तुम चुपचाप से हमारी मदद करो। हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, पर दूसरे बच्चों को बचाने में तुम हमारी मदद करो। ये पक्का कुछ छुपा रहे हैं कैप्टन। क्या वो तुम्हारा अपना भाई था? हाँ? तो मैं और क्या करता सर, आप बताओ। मेरी बीवी बीमार है, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और ये सब किया किसने था?
मेरे भाई ने मेरे बेटे का किडनैप किया था। झूठ बोल रहा हूँ। क्या वो तुम्हारा अपना सगा भाई था? हाँ सर, उसके कोई बच्चा नहीं था। मेरे दो और बच्चे हैं। वो मेहमत को गोद लेना चाहता था। मैं क्या कहता, मेहमत की माँ नहीं चाहती। भाई को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो घर छोड़ गया। और एक दिन अचानक मेहमत घर से कहीं गायब हो गया। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मैं तो सोच भी नहीं सकता था सर। हम बहुत रोए। मेरी बीवी तो एकदम पागल ही हो गई। फिर एक दिन फोन आया हमें, भाई की बीवी का। पता नहीं कैसे दिल पिघल गया। बोली, आपका दुख देखा नहीं जाता। और अगले दिन मेहमत वापस आ गया। नूरी, ये देखो, रिपोर्ट आ गई। इसमें साफ लिखा है तामेर ने तायफून को नहीं मारा। पता नहीं ये केस कब खत्म होगा। बार बार कुछ नया हो जाता है। पता नहीं कौन सा बुरा वक्त चल रहा है मेरे साथ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नूरी, यहाँ आकर बैठ जाओ। तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ना? बाद में बात करें चीफ। जो भी बात है अभी बताओ, मुझे अभी जानना है। वो जो मैं अब्बास के पुल पर मिला था ना, किसी ने मुझे किडनैप किया था। गाड़ी में ले गया और वहां छोड़ दिया। वो जो कोई भी था काफी कुछ जानता था। तुम गलत हो, ऐसा कुछ बोला वो खान में। कहा बच्चे मर रहे हैं और भी मरेंगे। तुमने उसे देखा था या नहीं? मैं वहां गली में था, फिर कुछ याद नहीं। उठा तो अब्बास के घर पे था। सर पर मारा क्या उसने? नहीं, शायद मेरी गर्दन पे कोई इंजेक्शन लगाया था। कुछ याद ही नहीं आ रहा। शायद मुझे ड्रग्स दिए थे। पर अजीब सी महक थी उसकी शायद। और ये सब तुम अब बता रहे हो? उस दिन बता नहीं पाया। मैं खुद बहुत ही शर्मिंदा था जो हुआ उस पर। एकदम नशे में धुत था मैं। वो सामने नहीं आया, इसका मतलब साफ है कि वो डरता भी है। पर मुझे लगता है कि वो तुम्हें अब्बास तक ले जाकर कुछ जताना चाहता था। हाँ, हो सकता है। नूरी, उस बच्चे की मां के साथ जो तुमने किया, अगर उसने कंप्लेंट कर दी तो तुम्हारी नौकरी तो चली ही जाएगी। और तुम ये बताओ, क्या तुम पागल हो गए थे? पता नहीं क्या हुआ चीफ। तुमको लगता है कि अब्बास किलर है? हो सकता है कि तुम उसके घर में नशे में चले गए हो। वो ऐसा कह सकता है? कह सकता है ना? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? मेरे यकीन करने से कुछ होगा? तुम्हें लगता है कुछ होगा? मुझे लगता है कि कोई हमारी मदद करना चाहता है, पर सवाल यह है कि वो कौन है।
अब क्यों आए हो यहाँ? मेरा बेटा चला गया, पति चला गया, अब क्या मुझे भी ले जाने आए हो? माफ कीजिए, हम आपके दुख तकलीफ को समझ सकते हैं और हम आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते। मुझे भी यही लगता है। पूछिए क्या पूछना है। आपको याद है कि टाइफून की बॉडी पर एक टी शर्ट थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो उसी की थी या किसी और की थी? नहीं, पहले तो मैंने और सबातिन ने ध्यान नहीं दिया, मगर फिर देखा वो टाइफून की टी शर्ट नहीं थी। उस टी शर्ट का क्या हुआ बता सकती हैं? ये टी शर्ट उसने पता है क्यों नहीं धोई? क्योंकि ये टी शर्ट टाइफून की है ही नहीं, ये किसी और की टी शर्ट है और इससे हमें कोई ना कोई क्लू तो मिल ही जाएगा। लाओ ये लेंस मुझे दो। तुम ये स्लीव उठाओ जरा। ये क्या है? ये तो कोई नीला सा धब्बा बहुत ही अजीब है ना, जरा पता करना ये क्या है। पता करके बताना मुझे कि क्या है। हाँ नूरी कहो। मुझे पता चल गया चीफ, वो टी शर्ट किसकी है। मैंने पता लगाया, एक सर्च की और पता कर लिया। बच्चा यहाँ से नहीं है, बाहर का है, पर खोया यहाँ पर है। और देखिए आखिरी बार ये बच्चा यौनचालार में था, वहीं जहाँ दिलारा और तामिर जा रहे थे। हाँ चीफ, ये वहीं जा रहे थे, इसमें कोई तो कनेक्शन है। ये बच्चा भी वहीं से गायब हुआ और फिर मिला ही नहीं। मतलब एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की टी शर्ट को पहन रखा था और दूसरा भी गायब हो गया। जैसा कि मुझे किडनैप करने वाला भी कह रहा था, और भी बच्चे। ये हम दोनों से अकेले नहीं होगा चीफ, हमें टीम चाहिए। क्या आपको लगता है कमिश्नर सर मानेंगे? जरूरत हो तो मैं उनको भी सब कुछ बता सकता हूँ जो आपको बताया था, जैसा आपको। नहीं ये सब रहने दो, चाल उल्टी भी पड़ सकती है तो अभी शांत रहो। फॉरेंसिक वाले? हाँ। अच्छा, ओ बहुत बढ़िया। अब कहाँ चीफ? पुरानी टेक्सटाइल मिल के पीछे। जी मिस्टर सेक्रेटरी, हमें एक क्लू मिला था यहाँ से जुड़ा हुआ। हमें उस बच्चे की टी शर्ट पर कुछ निशान मिले थे रंग के। हाँ बिल्कुल, नीले रंग के निशान थे, कपड़ों में यूज होने वाले कलर के। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, तो हम इस टेक्सटाइल मिल के पीछे वाले फील्ड में हैं। नहीं सर, फैक्ट्री तो बंद है, लेकिन वो लगता है कि ये कलर जो इस टी शर्ट पर लगा है वो यही का है, और देखने से सर बिल्कुल यही लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जी जी, वो यही है, मेरे सामने है सर। सेक्रेटरी सर आपको हेलो बोल रहे हैं। शुक्र है, अच्छा है। शुक्रिया, वो भी आपको हेलो कह रहे हैं सर। यस सर, जी सर, ओके सर, हाँ सर, थैंक यू। पता है अभी लीगल एडवाइजर को मिस्टर अब्बास ने खुद फोन किया है और फिर उसने शायद बैकअप भेजा है। वो पूछ रहे हैं ये सब क्या है। पर इससे क्या फायदा है हमारी मदद में चीफ? या फिर बेकसूर होने का दिखावा पता लगाने के लिए तो हम यहाँ पर आए। नूरी सब अच्छे से देखिए।
क्या हुआ चीफ? देखो ध्यान से, ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर नीचे, ठीक है ना? बस आराम से, बस हो गया, बस ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से देखो, बस 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 खींचो। आराम से, ठीक है, आ जाओ। नीचे लाशें, हड्डियां और खिलौने भी हैं। Özünden olur.